हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड लिस्ट है या फिर सेकंड जो परिणाम है, दूसरा जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है जेड के द्वारा। तो इसमें अपने को वापस से वही सीट कंफर्म करवानी है जिस जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है। पहले बहुत बार ये देखने को भी मिला है कि जैसे फाइनल काउंसलिंग में कई ऐसे बच्चे थे जिनको कॉलेज तो अलॉट हो गया पर उनको ये नहीं पता था कि सीट भी कंफर्म करनी होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने को 9 से लेकर और 11 तारीख के बीच बीच में अपने को सीट कंफर्म करनी है जिसको भी कॉलेज अलॉट हो चुका है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो PPG और PhD वाले हैं वो तो एक्टिव रहते हैं ताकि उनको तो सब पता है कि वो कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो ये 12वीं पास करके जो जेड का एग्ज़ाम देते हैं UG के लिए, तो ये थोड़े से इनएक्टिव मोड में रहते हैं एक तरीके से। तो इन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि किसी का पूरा साल ख़राब ना हो। थैंक यू वेरी मच।